Does anime really sucks? Yes, in parallel universe. नहीं यार, कौन हेट कर सकता है एनीमे को यार। तो आपने अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपको पता होगा एनीमे क्या है, पर अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। एनीमे कार्टून होता है जो जापान में बनाया जाता है। हाँ कार्टून, साइड नोट, किसी भी एनीमे फैन को ये मत बोलना कि एनीमे कार्टून होता है, बहुत भड़क जाएगा। पर एनीमे को बहुत सारी चीज़ें जो वेस्टर्न कार्टून से अलग करती हैं। वेस्टर्न कार्टून और जापनीज एनीमे दोनों बहुत ही अलग चीज़ हैं। वेस्टर्न कार्टून जैसे कि बैंटेन या हॉरिड हेनरी, और एनीमे में हम कह सकते हैं ड्रैगन बॉल जी, नारूटो, जैजवेल। 90s किड्स तो एनीमे का बहुत मज़ा उठा चुके हैं, क्योंकि उनके टाइम में जैसे कि मैंने कहा ड्रैगन बॉल जी, नारूटो, जैजवेल ये सब एयर हुआ करते थे। तब वहाँ पे एक डेडिकेटेड चैनल भी था एनीमे के लिए, एनीमैक्स नाम से। पर आज वो सब कुछ नहीं है। आज के टाइम में भी एनीमे एयर होते हैं, जैसे कि निंजा हथौड़ी, पोकेमोन, सिंचैन, ये सब भी एनीमे हैं। पर ये एनीमे, जो एनीमे की बात आज हम करने वाले हैं, उनके सामने पानी कम चाय है। अगर जिस एनीमे की बात आज हम अपने इस वीडियो में करने वाले हैं वो एक इंसान है, तो निंजा हथौड़ी ये सारे इसके सामने एक छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा कह सकते हैं आप। इनका स्टैंडर्ड कुछ नहीं है जो एनीमे की बात आज हम करने वाले हैं, जैसे कि डेथ नोट, अटैक ऑन टाइटन, टोक्यो घूल, इन सब के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एनीमे को क्या बात है जो दूसरे कार्टून से अलग बनाती है। व्हाई यू शुड वॉच एनीमे, व्हाई आई वॉच एनीमे, व्हाट मेक्स इट बेटर देन अदर। इट्स जस्ट एज आई थॉट, ह्यूमंस आर सो इंटरेस्टिंग। सबसे पहली चीज जो आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि एनीमे इज फॉर चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए नहीं है एनीमे। एनीमे मेनली बनाए जाते हैं एडल्ट्स के लिए, जिनकी बात आज हम करने वाले हैं, और वो 18 प्लस वाले एडल्ट्स नहीं, बल्कि वॉयलेंस वाले और हार्ड लैंग्वेज। जैसे कि अगर आप अटैक ऑन टाइटन या टोक्यो घूल को ले लीजिए, उसमें भर भर के वॉयलेंस और खून दिखाया गया है, तो वो डेफिनेटली बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। आप बिना देखे किसी चीज़ को बुरा तो कह नहीं सकते, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, वो वाली बात यहाँ एनीमे में साबित हो जाती है। अगर आपको लगता है कि ये बच्चों के लिए होता है तो आप बहुत गलत है, बस एक बार देखना तो स्टार्ट कीजिए। जापान में एनीमे को कल्चर माना जाता है, वो उनके डे टू डे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप उस बात का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि जब एंड गेम रिलीज हुई थी तो पूरे वर्ल्ड चार्ट्स में वो टॉप कर रही थी, पर जो जापान में डिटेक्टिव कोनन की मूवी टॉप कर रही थी और एंड गेम सेकंड पे थी। तो आप देख सकते हैं कि वो कितना डेडिकेट है एनीमे को लेकर जापान। तो अगले पॉइंट पे मूव करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो एनिमेटर्स होते हैं, जो एनीमे डिजाइन करते हैं या एनीमे बनाते हैं, उनको एक सेकंड के लिए 24 या 25 फोटोज या इमेजेस कंप्यूटर पे या फिर पेपर पे ड्रॉ करने पड़ते हैं, और जब वो 25 पिक्चर को एक साथ चलाते वो एक सेकंड एनीमे का बनता है। तो इतनी मेहनत लगती है, और इस चीज़ में वो अपनी स्टोरी को लेकर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। उनकी स्टोरी में एक पक्की मीनिंग, मैसेज और लाइफ लेसन छुपा हुआ होता है। और जैसे कि नारूटो में हमें पता चलता है कि जो हार्डवर्क है वो किसी की भी स्किल्स को ओवरकम कर सकता है, बस आपको हार्डवर्क करना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि आप डेथ नोट को ले लीजिए, तो इससे बहुत सारे लाइफ लेसन हमें मिल जाएंगे हर एक एनीमे, चाहे वो कोई भी जॉनर हो। जैसे कि किसी को रोमांटिक मूवी पसंद होगी, या किसी को थ्रिलर, या फिर साइकोलॉजिकल मूवीज, तो सबके लिए कुछ ना कुछ एनीमे में ज़रूर है। अगर आपको एक्शन पसंद है तो पूरा एनीमे ही आपके लिए है। हर एक एनीमे, हर एक जॉनर में एक मैसेज पक्का होता है, और मैं ये सबको रिकमेंड करूँगा। और एक बात जिसकी वजह से आपको एनीमे देखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा बेटर है, मतलब मच 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 बेटर। इसकी स्टोरी, इसके मैसेज, इसका एग्जीक्यूशन सब टॉप नॉच होता है। अगर आप किसी भी बॉलीवुड मूवी को एनीमे से कंपेयर कर लीजिए, तो आपको हमेशा टॉप नॉच ही मिलेगी। बॉलीवुड ने आज तक हमें क्या दिया है? बस रोमांस वाली मूवीज़, और वैसी वाली रोमांस वाली मूवीज़ जो रियल तक नहीं होती। जिस तरह ऐसे पोर्ट्रेट किया जाता है बॉलीवुड में रोमांस को लेकर या एक्शन को लेकर, वो रियलिस्टिक बिल्कुल नहीं होती। पर अगर आप एनीमे देखेंगे, रोमांटिक मूवी, तो आपको रियल फील होगा पूरा। आप पूरा उसके अंदर इंटरेस्ट लेकर घुस जाएंगे उस मूवी के अंदर, इतनी उसकी स्टोरी इतनी अच्छी होती है। और अगर आप आखिर में एक्शन की बात करें, तो आप पूछो ही मत, कि मेनली जो एनीमे ऊपर ऊपर है वो सारा पूरा एक्शन से भरा हुआ है। आपको शोनन की कोई सी भी एनीमे उठा लिया, उसमें एक्शन आपको पूरा टॉप नोच और बेस्ट मिलेगा। हॉलीवुड से भी फेड अप हो चुके हैं, तो आपको एनीमे इज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें आपको
बहुत सारी कैटेगरी मिल जाएगी जैसे मैंने पहले कहा, तो आप कभी बोर नहीं होंगे। बस आप बॉलीवुड की शिटी पिक्चर्स देखना छोड़ दीजिए और एनीमे देखिए। अगर आप एकदम नए हैं एनीमे वर्ल्ड में और आपने कुछ भी नहीं देखा, तो आपको सबसे पहली सीरीज़ इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा डेथ नोट के साथ। जो भी एनीमे सबसे पहली बार देखते हैं वो डेथ नोट ही देखकर आता है, और डेथ नोट देखकर आई भी क्यों ना यार, इतनी ओपी सीरीज़ है। वैसे मैंने शुरुआत की थी वन पंच मैन से, सीज़न फर्स्ट से, तो मैंने वहाँ से देखा था फर्स्ट सीज़न। उसके बाद मैंने बहुत लंबा गैप लेके मैंने डेथ नोट देखा था। जब मैंने उसको देखा मेरा माइंड ब्लो हो गया। उसके बाद मैंने फट से जाकर एनीमे सर्च किया कौन कौन से बेस्ट एनीमे हैं, तो मुझे अटैक ऑन टाइटन के बारे में पता चला। अटैक ऑन टाइटन, ओह भाई कुछ ज़्यादा ही ओपी सीरीज़ है, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा यार। मैं क्या कहूँ, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा उसके बारे में, आप खुद जाकर देखना। आपको एक और फैक्ट बताता हूँ अटैक ऑन टाइटन का। अगर आप एनीमे की आईएमडीबी रेटिंग की लिस्ट चेक करेंगे, तो उसमें जो टॉप 10 लिस्ट में जो भी इंक्लूड होते हैं, उसमें 10 में से 7 तो अटैक ऑन टाइटन के ही एपिसोड हैं। और वहीं से मैंने अपनी एनीमे जर्नी स्टार्ट की। आगे जाकर मैंने टोक्यो घूल, अटैक ऑन टाइटन, डेथ पराडे जैसे बहुत सारी सीरीज़ देखी, मूवीज़ भी देखी, वेदरिंग विद यू, योर नेम और द साइलेंट वॉइस, 5 cm/s, आई वॉन्ट टू ईट योर पैन क्रियाज जैसी मैंने बहुत एनीमे मूवी देखी और वो बेस्ट थी। और जो इनकी स्टोरी को खास बनाती हैं वो चीज़ होती है इनकी नॉन प्रेडिक्टेबल क्वालिटी। आप एनीमे में कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप जो सोच रहे हैं या फिर उसका उल्टा होगा, या आप जो सोच रहे हैं वही होगा पर उसका प्रेजेंटेशन अलग होगा, मतलब नॉन प्रेडिक्टेबल क्वालिटी होती है इसकी। और एक बात जो एनीमे को खास बनाती है कि रिलेटेबल, आप अपनी स्टोरी, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ घट रही हो तो उस पर भी एक एनीमे होगा, आप कुछ भी फाइंड कर सकते, एवरी कैटेगरी एनीमे में आपको मिल जाएगी। अगर आपकी शिकायत यह है कि एनीमे के एपिसोड्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं या फिर बहुत सीरीज़ बड़ी होती है, तो ये बहाना भी आपका नहीं चलेगा, क्योंकि आप एनीमे की मूवीज़ देख सकते हो जो 1.5-2 घंटे की होती हैं और बहुत सही होती हैं। आप देख लीजिए, आप इतने इमोशनल हो जाएंगे। मूवी जैसे कि योर नेम और द साइलेंट वॉइस मैं आपको रिकमेंड करूँगा। अगर इन मूवी को देखते समय आपकी आँखों में आंसू नहीं आए तो मैं अपना चैनल डिलीट कर दूँगा, ऑब्वियसली नहीं करूँगा यार। तो मेरा यही सजेशन है कि आप मूवीज़ तो ज़रूर देखिए, फिर आप खुद ब खुद सीरीज़ की तरफ खिंच जाएंगे। और हाँ बता दूँ कि मैं कोई ओटाकू नहीं है, और जिसको ओटाकू मतलब नहीं पता वो होता है जो एनीमे का बहुत बड़ा फ़ैन हो या जैपनीज़ कल्चर का। मैं कोई ओटाकू नहीं हूँ क्योंकि मैंने इतनी सीरीज़ नहीं देखी, पर एज अ मीडियोकर कह लो, मुझे मीडियोकर हूँ मैं। सो हेयर इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपने कुछ सीखा है, कुछ समझा है, तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एनीमे जाकर देखिए, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। और भाई की तो इज्जत रख लो यार थोड़ी, एनीमे जाकर देखो और आकर वापस इस कमेंट में लिखो कि कैसी लगी। अगर आप एक क्वालिटी कंटेंट फैन हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे अपनी कमेंट डाउन कर दो कि आपके एनीमे कौन से सबसे ज़्यादा फेवरेट है, और एक लाइक भी दे दो।